तो आज मैं अपने गैराज को पेंट करने वाला हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पेंट करने के पहले गैराज कैसा दिख रहा है और पेंट करने के बाद कैसा दिखेगा, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो गाइज आप देखो गैराज का वॉल जो है वो कैसा है। अभी ये पेंट नहीं है, आप जैसा देख सकते हो बस कहीं कहीं प्राइमर लगा है। इसका सीलिंग भी देखो, ये भी पेंट नहीं है। तो इसके लिए मैंने पेंट खरीदा है, ये ग्रे कलर का पेंट है। तो ये 4 गैलन है, 1 गैलन 4.25 लीटर का होता है। तो गाइस चलो मैं इसको मैं खुद से पेंट करूँगा। मैंने किसी पेंटर को हायर नहीं किया है क्योंकि US में बहुत ही पैसा लग जाता है अगर किसी मैं कॉन्ट्रैक्टर को हायर करूँ पेंटिंग के लिए, तो मैं खुद से ही पेंट करूँगा। तो चलो मैं पेंटिंग करके फिर दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये गैराज कैसा दिखता है पेंट करने के बाद। तो गाइस मैं एजेस को ब्रश से कर रहा हूँ ताकि नीचे पेंट ना लगे, तो एजेस को सारा मैं कर लूँगा। उसके बाद ये सारे वॉल्स जो है वो रोलर से करूँगा, ये रोलर रखा है। तो गाइस US में जो है जैसे मैंने पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स आप हायर कर सकते हो पेंटिंग के लिए, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही पेंट कर लेता हूँ। तो US में ज़्यादातर क्या होता है कि जब आप घर खरीदते हो तो गैराज को ये लोग पेंट करके नहीं देते हैं, बस बाकी सारा ये फिनिशिंग करके देते हैं पूरे घर का, पर गैराज का जो पेंटिंग नहीं करते हैं। तो वो खुद से करना पड़ता है या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लो। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं किया क्योंकि मुझे अपने पैसे नहीं खर्च करने थे, तो मैं खुद से ही पेंट कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ गाइस, तो जब फिनिश हो जाएगा तो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो गाइस मेरे पैरों में पेंट ना लगे इसलिए मैंने रोल कर लिया है अपने ट्राउज़र को, और शॉक्स भी मैंने पहन लिए हैं ताकि पैर में पेंट नहीं लगे। तो मैं कोई प्रोफेशनल पेंटर हूँ नहीं, तो जो भी मैंने यूट्यूब पे देखा मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा कैसे पेंट कर सकते हैं, कैसा अपनी अपने मनी को सेव कर सकते हैं US में, तो इसलिए फिर मैं कर रहा हूँ। आप देखोगे तो मैंने फ्लोर को भी इपॉक्सी किया है। आप देखो ये फर्स्ट टाइम मैंने इपॉक्सी किया था, आप देखो कितना अच्छा फिनिशिंग आया इपॉक्सी का। और अब मैं सारे वॉल को कर रहा हूँ और ये देखो कि इपॉक्सी मैंने कैसे किया है। तो बस मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पेंटिंग भी अच्छी हो जाए और मेरा गैराज थोड़ा अच्छा दिखे। तो मैंने ऐसे पूरा घर तो मेरा वाइट है, लेकिन मैंने गैराज का थीम थोड़ा डार्क रखा है ताकि डार्क थोड़ा गैराज का थोड़ा बाकी मेरे घर के कलर से थोड़ा डिफरेंट हो जाए, तो मैंने डार्क ग्रे रखा है। और तो बस यही है गाइस, अभी मैं पेंट जब फिनिश कर लूँगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि, तो फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को पेंटिंग कैसा लगा। मेरा फर्स्ट टाइम पेंटिंग है मेरा, ये काफ़ी बार मैंने रिपीट कर लिया फर्स्ट टाइम। तो गाइस मैंने एजेस को ब्रश से कर लिया है, अब मैं बीच का जितना भी वॉल है गैप उसको मैं रोलर से करूँगा। तो ये देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं कोई प्रोफेशनल पेंटर नहीं हूँ, तो जैसे विचार अच्छे हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो गाइस पेंटिंग करना ईजी नहीं है, और हो सकता है कि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हार्ड पेंटिंग करना, बट मज़ा भी आ रहा है और मुझे खुशी भी है कि मैं पेंटिंग भी कर पा रहा हूँ। सारा मैं खुद से ही काम करना चाहता हूँ, किसी पे मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि मुझे पेंटर्स हायर करने हैं और वैसा, तो इसलिए मैं खुद से ही करना चाहता हूँ और मेरे पैसे भी सेव हो जाएंगे और मुझे भी आ जाएगा पेंटिंग करना, और कोई रीज़न नहीं है पेंटिंग करने का। क्योंकि गाइस डॉलर का सवाल है, डॉलर। Nice.
रात का वक्त हो रहा है, 12 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा नाइट भी स्टार्ट करूँगा तो गर्मी कम होगी तो पेंट कम एब्जॉर्ब होगा वॉल में, तो इसलिए मैंने अपने थॉट प्रोसेस से थोड़ा नाइट में स्टार्ट किया है। और ऐसे में सैटरडे भी है तो कोई बात नहीं है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो चलेगा, तो मैंने जानबूझ कर ही नाइट में स्टार्ट किया है। यहाँ के 12 बज रहे होंगे तो पूरा ये फिनिश करने में जितने भी वॉल हैं तो मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे और लगेंगे या ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो 2-3 तो बच ही जाएगा रात का, बट कोई नहीं चलेगा। तो गाइस मैं पूरा फिनिशिंग करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि पेंटिंग कैसे हुई, आपको बताना कमेंट करके। तो गाइस अगर आप लोग भी नए हो और आप यूएस में रहते हो या इंडिया में भी रहते हो और आपको अपना गैराज या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको पेंट करना हो तो आप बिना हेजिटेशन का ट्राई करो, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सब सही जाएगा इंशाल्लाह। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी स्टार्टिंग में डर रहा था कि भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है पेंटिंग का। तो जैसे मैंने बोला कि पहला मेरा प्रोजेक्ट था इपॉक्सी का, अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने इपॉक्सी किया था गाइस। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा था कि इपॉक्सी का आप कितना लोगे, तो उन लोगों ने बोला कि $1,200 to $1,500, ठीक है, और मुझे इपॉक्सी मुझे खुद खरीद के उनको देना था, उसके अलावा वो लोग पूरा साफ करके इसको इपॉक्सी करके देते और इसका जो पूरे गैराज का जो नीचे का फ्लोर है बस इसका इपॉक्सी करके आपको $1,200 to $1,500 बोला था उन लोगों ने, जो कि इंडिया का अगर आप जोड़ लो कम से कम 1 lakh rupees हो गया, जो कि मुझे नहीं देना था। तो मैंने थोड़ा यूट्यूब पे रिसर्च किया कि कैसे कर सकते हैं इपॉक्सी, थोड़ा सा हिम्मत करके फिर मैंने इपॉक्सी किया, तो गाइज आप भी देख सकते हो कितना अच्छा इपॉक्सी हुआ। तो ये मेरे लाइफ का पहला प्रोजेक्ट था पेंटिंग का। और फिर दूसरा मैंने सोचा कि चलो अब सीलिंग और वॉल कर देते हैं गैराज का, थोड़ा इसका लुक चेंज हो जाएगा, तो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। तो गाइज अगर आप भी नए हो और आपको करना है, आपको पैसा नहीं खर्च करना है, खुद से आप कर सकते हो तो ज़रूर ट्राई करो। और आप कमेंट करके बताओ कि आपको कुछ ऐसा और भी डिटेल्स चाहिए, लाइक कि मैंने इंग्लिश में कौन सा पेंट यूज़ किया है, तो कौन सा कलर है और कौन सा शीन है, जैसे शीन होता है बहुत सारे टाइप के शीन होते हैं, सेमी ग्लोस होता है, हाई ग्लोस होता है, नॉर्मल होता है, तो ये मैंने सेमी ग्लोस यूज़ किया है। सेमी ग्लोस में क्या है कि आप मतलब प्लास्टिक पेंट टाइप का ये रहेगा, और इसमें मैंने कोई प्राइमर मैंने अलग से ऐड नहीं किया, क्योंकि इस पेंट में प्राइमर मेरा इंक्लूडेड है, तो मैंने अलग से प्राइमर नहीं मारा है गाइस। और एक कोट में ही मेरा हो गया है सारा काम, मुझे डबल कोट भी करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो जब ये आप भी हिम्मत करके कर सकते हो, अगर आपको कुछ जैसे मैंने बोला कि और डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बताओ और मैं आपसे शेयर करूँगा। तो गाइज ये मेरे गैराज का मेन डोर है, और मैं आप लोगों को जब मैंने पेंटिंग कर लिया है तो मैं आप लोगों को अब अंदर ले जाके दिखाता हूँ गैराज के अंदर कि पेंटिंग कैसा लग रहा है। तो गाइज देखो ये मैंने पेंटिंग कर लिया, थोड़ा मैंने डार्क कलर रखा है डार्क ग्रे में, ये सामान सारे बिखरे हैं इसको मैं बाद में अरेंज करूंगा। तो गाइस मैंने पेंट कर लिया है अपने गैराज को, और बहुत ही ये डिफिकल्ट था पेंटिंग करना क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी पेंटिंग नहीं किया है, तो यूट्यूब से वीडियो देख के फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पेंटिंग कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि थोड़ा पैसे सेव हो जाएंगे मेरे यूएस में, तो इसलिए मैंने खुद से पेंटिंग किया। और आप देख सकते हो मैंने सीलिंग को भी पेंट किया है, आप देखो मैंने सीलिंग को भी पेंट किया है, और
सीलिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट था गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना डिफिकल्ट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगा, लेकिन हो गया सारा पेंटिंग। और आप देख सकते हो कि मैंने वॉल भी पेंट किया है, और थोड़ा मैंने डार्क कलर इसलिए रखा है कि जैसा मैंने आपसे बोला था पहले भी कि जो इंटीरियर का जो कलर है मेरे घर के अंदर का गैराज के अलावा, तो वो वाइट है, थोड़ा वो वाइट है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा गैराज का थोड़ा डिफरेंट कलर डार्क में रखता हूं, इसलिए मैंने डार्क ग्रे सेलेक्ट किया है। आपको थोड़ा वीडियो में हो सकता है ब्लैक लगे, लेकिन ये डार्क ग्रे है और जो कि अच्छा लग रहा है। जैसे आप जो गैराज से मेरे घर के अंदर जो डोर है, जो रास्ता जाता है, वो देखो वाइट है, तो थोड़ा अगर वाइट फ्रेम भी हम लोग लगा दें या कुछ वाइट ऐसा कुछ लगाएं इस वॉल पे, तो भी वो अच्छा दिखेगा। तो गाइस यही था वीडियो, और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाए उसका। तो गाइस थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।